गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर कौन सा, 11, कौन सा है, जो देख कर भी नहीं देखते हैं। देखिए बच्चों, यह एक हेलन केलर की कहानी है। जो कैसी लड़की थी, वह अंधी थी और कैसी थी, गूंगी भी थी, एक अंधी लड़की थी, ठीक है। और वो क्या करती थी कि चीज़ों को छूकर देखती थी। कैसे देखती थी, वो छूकर उनको महसूस करती थी और फिर वो बताती थी कि यह क्या चीज़ है। तो उसी के बारे में ये उनकी एक छोटी सी कहानी है हेलन केलर की, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, जो देखकर भी नहीं देखते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। कौन कह रही है ये, हेलन केलर कह रही है कि मैं कभी कभी अपने मित्रों की क्या लेती हूँ, परीक्षा लेती हूँ कि दोस्त कैसे होते हैं। यह परखने के लिए वह क्या देखती हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने क्या देखा। देखिए हेलन केलर जो है वो मित्रों को परखने की कोशिश कर रही थी, और उनकी जो एक मित्र थी वो क्या करके आई थी, जंगल की सैर करके आई थी। तो हेलन केलर ने उनसे पूछा कि आपने जंगल में क्या क्या देखा। अब उनकी मित्र क्या कहती है, कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की क्या हो चुकी थी, आधी हो चुकी थी। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे कम, बहुत कम देखते हैं। उन्होंने क्या कहा कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि कोई कहीं घूमने जाए और वहाँ पर कुछ देखे ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न दिखे। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं। अब उसने क्या कहा कि घंटे भर घूमी है, हैं, कोई कहीं भी घूमने जाता है तो ऐसा हो सकता है कहीं कुछ ना दिखे। मैं तो मतलब क्या देख नहीं सकती, फिर भी महसूस तो कर सकती हूँ कि इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं मुझे, जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। कौन, हेलन केलर। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ, स्पर्श यानी कि छूकर पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में क्या होता है, आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित होती हूँ। देखिए वो हर चीज़ को क्या करती थी, छूकर महसूस करती थी कि क्या चीज़ है, किस चीज़ का पेड़ है, किस चीज़ के पौधे हैं, ये पानी है, कैसा पानी है, उन सबको महसूस कर पाती थी। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर देता है। आया बच्चों आपको इतना समझ में। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। कभी कभी क्या है, उनके दिल में होता है, काश मैं इन सब चीज़ों को देख पाती। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। देखिए वो क्या कह रही हैं, जब मैं इन चीज़ों को छूती हूँ और छूने से ही मुझे इतनी खुशी मिल जाती है, तो अगर मैं वास्तव में इनकी सुंदरता को देख लूँ तो फिर क्या होगा। परंतु जिन लोगों की आँखें हैं वो सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कमी कभी क्या नहीं करता है, कद्र नहीं करता है। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। देखिए बच्चों, अब इसमें क्या कहा है कि मनुष्य क्या है कि उन चीज़ों की उम्मीद लगाता है, उन चीज़ों की आस लगाता है जो कि उसके पास में क्या है ही नहीं है। यह कितनी दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग इस साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया
जा सकता है। तो बच्चों देखो, बहुत छोटा चैप्टर था, पर इसमें जो हेलन केलर है उसने कितनी सारी बातें बताई हैं कि मनुष्य क्या है, देखकर भी अनदेखा करते हैं। ठीक है, देखकर भी क्या करता है, अनदेखा करता है कि नहीं हमने ये चीज़ नहीं देखी, वो चीज़ नहीं देखी है। लोग इस बात को भूल जाते हैं कि भगवान ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद कौन सा, जो देखने का आशीर्वाद दिया है, उसको तुम एक साधारण सी चीज़ कैसे समझ सकते हो। ठीक है, यह तो ईश्वर का आशीर्वाद है। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको हेलन केलर जो लेखिका है इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। ठीक है, हेलन केलर का जन्म कब हुआ था, 1880 से 1880 में हुआ था। कब हुआ था, 1880 में। ठीक है, कहाँ पर, अमेरिका। एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता है। कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो ना देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोल सीख ले। देखिए बच्चों, कि अब ये क्या कह रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हेलन केलर कैसी थी कि वह ना तो सुन सकती थी ना ही देख सकती थी, फिर भी वह लिखना पढ़ना बोलना समझना सब कुछ सीख लिया उसने, भरपूर आशा और आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी कौन, हेलन केलर। जब वह 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही। देखो बच्चों, आपका प्रश्न आता है कि जो हेलन केलर थी वो किस कारण से देखने और सुनने की शक्ति खो चुकी थी, किसके कारण, एक गंभीर बीमारी के कारण। लेकिन उसने क्या करी, हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं। देखिए बच्चों, अब यहाँ फिर एक प्रश्न आ जाता है आपका कि हेलन केलर की कॉलेज के दिनों की प्रकाशित पुस्तक का नाम बताओ, उनकी आत्मकथा का नाम बताओ। या तो ऐसे आ सकता है, प्रकाशित पुस्तक का नाम बताओ या हेलन केलर की आत्मकथा का नाम बताओ। तो आप क्या बताएंगे, स्टोरी ऑफ लाइफ में वो लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती। क्यों, क्योंकि चारों तरफ उनको अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता था, और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में मैं इस किताब के अनुवाद हुए, देखिए दुनिया में जितनी भाषाएं हैं तो इस वाली जो जो ये किताब है, कौन सी, स्टोरी ऑफ लाइफ, इसके हर भाषा में इसका अनुवाद हुआ है। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें, और कितनी पुस्तकें हैं, 10 पुस्तकें, और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकार, अपने जैसे लोगों मतलब जो ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। आया आपको समझ में, तो बच्चों ये आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन हम आपको भेज देंगे, तो प्लीज़ चैप्टर को समझने की कोशिश करना और क्वेश्चन आंसर को आप लर्न करते रहना। ओके।